आज है दिन 17 मार्च का और आज है दिन होलिका दहन का। मेरा नाम है शिफाली और ये है मेरे हस्बैंड मोहित। हेलो। तो यस, आज इस वीडियो के अंदर हम शूट करने वाले हैं होलिका दहन का, जो रीत यहाँ पर मनाई जाती है सिरसा में, और सिरसा के मेन बाजारों की रौनक जो है आज हम आपके साथ वो सब शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं सिरसा के मेन बाजार, रोड़ी बाजार, और आगे जो भी बाजार आएंगे वो मैं आपको सबको दिखाते जाऊँगी। ये है सिरसा की अनाज मंडी, और होलिका दहन की रीत जो है वो हर एक चौक चौराहे में मनाई जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे ही हमें एक होलिका दिख रही है जो यहाँ पर जलाई जाएगी और लोग यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। बहुत बड़ी है होलिका, पूजन चल रहा है इस टाइम पे। सवा नौ बजे, ओके। तो होलिका दहन रात को 9:15 बजे होने वाला है। तो अभी हम आए हैं रौनक के लिए और ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे होलिका दहन का समय भी। वाओ, वैसे बहुत लोग जो हैं वो होलिका दहन मनाते हैं। हमारे यहाँ जो है, हमारे जो रीति रिवाज है उसके अंदर हम होलिका दहन में होलिका की पूजन और इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, लेकिन काफ़ी लोग देखिए आ रहे हैं होलिका दहन के लिए भी, पूजन के लिए। पहले उसकी पूजा की जाती है क्योंकि ये प्रहलाद की भक्त जो थे उनकी कहानी है। यहाँ पर कई लोग जो हैं वो दिख रहे हैं बाज़ारों में, और बाज़ारों की रौनक तो देखते ही बनती है। अब हम आगे चलते हैं शिव चौक की तरफ और आगे शेयर करते हैं आपके साथ। ओ देखो, होली में बाजारों की रौनक, जगह जगह पर आपको यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स मिलेंगे। वैसे मेरे फादर का काम भी इन्हीं का ही है, होली के रंगों का। ये है यहाँ का शिव चौक, और पर ये स्टॉल्स और डेकोरेशन होली की वजह से देखने को मिल रही है, वो देखिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। माई मोस्ट फेवरेट, अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो वो होली है। होली और दिवाली मोस्ट फेवरेट, जो मैं कभी मिस ना करूं किसी भी सिचुएशन में। और इस बार तो हमारे साथ हैविश भी होगा फुल एंजॉय करने के लिए, तो होली का भी आपके साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करने वाली हूं थोड़ा ही टाइम के अंदर। यस, ये है सूरतगढ़िया चौक सिरसा का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी होलिका दहन होने होगा और लोग यहाँ भी पूजन कर रहे हैं बहुत से लोग। बहुत बड़ा त्यौहार है ये भी, होलिका दहन भी सिरसा में मनाया जाता है बड़े स्तर पे। आगे आगे देखिए मिलता है क्या सिरसा में। यस, भीड़ तो ज़रूर मिलेगी, ऑफ कोर्स मार्केट है और मेन बाज़ार है और उसी के साथ त्यौहार भी है। ये है सिरसा का घंटाघर चौक, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं रंग के, होली के। और ये रही होलिका माता, हाँ जी, यहाँ भी पूजन चल रहा है। अब हम चलते हैं कहाँ, भगत सिंह चौक। तो अब आने वाला है सिरसा का भगत सिंह चौक, और आगे देखते हैं यहाँ होलिका दहन होने जा रहा है या नहीं, आगे हम शो करते हैं आपको, दिखाते हैं। तो बाजार की आप रौनक देख पा रहे हो कितनी भीड़ है मोहित आज। यस, तो ये चल रही है यहाँ भी पूजा, और इसका टाइम है 8:30 PM है ना। तो पहले हम ये इसका शूट कर सकते हैं या उसका शूट कर सकते हैं ना, जो अनाज मंडी में भी थी। ओके, तो ये है यहाँ पर होली मंगलम, इसका टाइम है होली मंगलम लिखा गया इसे, मे बी होलिका दहन को होली मंगलम कहा जाता है। और अब हम आ गए हैं सिरसा के मेन बाज़ार में, रोड़ी बाज़ार, हाँ जी। तो ये है सिरसा का मेन बाज़ार, यहाँ पर आप देख सकते हो जगह जगह पर होली के स्टोर्स लगे हुए हैं। और चलते हैं हम आगे की तरफ। ओ वाओ, मामा मामा, मैं सोच रही हूँ कौन से मामा है, दैट इज़ पुलिस वाले, उन्हें मोहित जी कह रहे हैं मामा खड़े हैं। बचपन दोबारा आ गया वापस
ये पंख क्या बोलते हैं इसको, ये देखो आजकल ये दोबारा वापस आ गए हैं बाजार की रौनक। ओ कितना प्यारा लग रहा है, इसके सारे घूम रहे हैं। ओ वाओ, ये हैविश के लिए जरूर लेंगे। और ये देखो, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है व्लॉगिंग का, और जब मैं व्लॉग बनाती हूँ और देख रही हूँ तो लोग देख रहे हैं कि ये कौन है, तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन फील हो रही है, बट नो हम इसमें एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। छोलिया लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे समथिंग, पता नहीं क्या गन्स बेच रहा हो बाइक के ऊपर। तो ये है सुभाष चौक, सिरसा का सुभाष चौक, और वो रही यहाँ पर होलिका, और इसका भी समय मुझे लगता है लिखा होगा साथ में ही होलिका दहन का। गीता भवन रोड, ओके, तो आगे हम जा रहे हैं गीता भवन रोड, जो कि यहाँ की फूड मार्केट है, जहाँ पे आप कुछ भी स्नैक्स वनैक्स खाना चाहते हो तो गीता भवन जो ये रोड है उसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब हैविश 1 ईयर का था तब भी उसे पता था गीता भवन रोड पर उसको खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी, और वो 1 ईयर का भी घर जाने के लिए रोने लग जाता था कि घर नहीं जाना, इस रोड पर जाओ और मुझे कुछ खाना है। हमें इतनी हैरानी होती थी कि इसको पता कैसे चला, बट 1 ईयर का बच्चे को भी अपनी रोड का पता नहीं है, बट इसको खाने वाली रोड का ज़रूर पता है कि यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए आपके मुंह में भी पानी लेके आते हैं गीता भवन रोड दिखा के। तो ये है गीता भवन रोड, जहाँ पर आपको तरह तरह की चाप की स्टॉल्स, नमकीन, गोलगप्पे की स्टॉल्स, खाना जितना मर्जी खाया हो गोलगप्पे फिर भी कोई भी पर्सन खा सकता है ना। तो चाप वाले, मोमोज, हर एक तरह की स्टॉल मिल जाएगी। ये है सिरसा की सर्कुलर रोड, जहाँ पर आपको ज़्यादातर मुझे लगता है लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल ज़्यादा मिलेंगे, है ना, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, स्वीट शॉप, फ्रूट्स, सब कुछ मिलेगा। ये भी काफ़ी मेन बाज़ार में आ जाती है, बट हाँ ये इस टाइप की मार्केट नहीं है जहाँ पर गारमेंट शॉप्स वगैरह हो। ये है सिरसा की सबसे फेमस स्वीट शॉप। चलो तो चलिए चलते हैं पापा के पास। ये रहा हैविश। हेलो हैविश, बोलो बुरा ना मानो होली है। ओ हैविश देखो मस्ती कर रहा है, कैसे हैविश मस्ती कर रहा है, क्या बोलेगा हैविश, बुरा ना मानो होली है। होलिका दहन के लिए मैं मार्केट दोबारा से आई हूँ, पहले हम चले गए थे क्योंकि होलिका दहन का टाइम बहुत लेट था, इसलिए अभी हम दोबारा आ गए हैं। बट आई मैं अभी हैविश के साथ हूँ, लेकिन हैविश हमारे साथ नहीं आया है, वो अपने मामू के घर पे ही है, टीवी देख रहा है। और अभी हमारे साथ है उदिश। उदिश कौन है? उदिश मेरा भतीजा है, ठीक है। तो हेलो उदिश, से हेलो। हेलो, एक्चुअली इसका टाइम 8:30 है, उसको हम यहाँ पे आ गए हैं। और ये है मेरा बाबू उदिश, जिसको आज थोड़ी सी चोट लग गई ना, है ना, अब ठीक है उदिश? हाँ, तो ध्यान से सड़क पे जाना है ना। ये बहुत ही क्यूट क्यूट आई है मेरा बाबू। उदिश और हैविश लगभग बराबर एज के ही हैं, बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर, और हैविश थोड़ा सा बड़ा है इससे, सिर्फ 2 मंथ, है ना। पहले हमने हैविश का बर्थडे ब्लॉग किया था, अब हम थोड़े टाइम के अंदर उदिश का बर्थडे ब्लॉग करेंगे, ठीक है। ये मेरा दूसरा बेटे की तरह है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी भी मेरे लिए। और अभी हम थोड़ी देर में बस देखते हैं होलिका दहन। ओ
कुछ अंश कुछ हिस्सा जो है वो घर लेकर जा रहे हैं। जब मैंने यहाँ पर खड़े किसी पर्सन से पूछा कि हाँ आप इसका क्या करोगे, तो उन्होंने बताया कि वो इसके घर में धूनी करेंगे। धूनी मीन्स एक तरह से इसका धुआं जो है वो पूरे घर में फैलाएंगे और इससे रिलेटेड जो है वो पवित्रता और अच्छाई जो है वो उनके घर पर आएगी, इसलिए वो इसे घर लेकर जा रहे हैं। तो ये सब आज के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया। होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कल मिलते हैं होली के ब्लॉग में।